अच्छी आवाज और लफ्जों से लोगों के दिलों में बसने वाले हरफन मौला पीयूष मिश्रा, मशहूर कवि, गायक, लेखक, उच्च अभिनेता का आज यानी 13 जनवरी को जन्मदिन है। मुंह से निकला वाह वाह वो शेर पढ़ा जो साहब ने, मुंह से निकला वाह वाह वो शेर पढ़ा जो साहब ने, वो काम भला क्या काम हुआ जिसमें साला दिल रो जाए, वो काम भला क्या काम हुआ जिसमें साला दिल रो जाए, वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जो आसानी से हो जाए, वो काम भला क्या काम हुआ कि हाय जकड़ ली उंगली बस, वो काम भला क्या काम हुआ कि हाय जकड़ ली उंगली बस, वो इश्क भला क्या इश्क हुआ कि हाय पकड़ ली उंगली बस। पीयूष मिश्रा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा टैलेंट है जैसा आज के जमाने में तराशना असंभव है। हर कोई पीयूष मिश्रा की शायरी का एक एक लफ्ज सिर्फ सुनता नहीं है बल्कि महसूस करता है। खासकर युवाओं के बीच तो पीयूष मिश्रा के टू लाइनर्स बहुत फेमस हैं। आज मैंने फिर जज्बात भेजे, आज मैंने फिर जज्बात भेजे, आज तुमने फिर अल्फाज ही समझे। किसी टूटे दिल का हाल बयां करने वाली पीयूष मिश्रा की शायरी की ये लाइन एक इंसान को अपना अधूरा प्यार याद दिला ही देती है। पीयूष मिश्रा का बचपन एक आम बच्चे जैसा नहीं था। उनके माता पिता बचपन में ही अलग होने की वजह से वो अपने रिश्तेदार के घर रहते थे, जिनके गलत बर्ताव ने पीयूष मिश्रा को बहुत गुस्सैल और लड़ाकू स्वभाव का बना दिया था। इसी स्वभाव से उन्होंने अपने गुस्से को लफ्जों में बयां कर कविताएं और शायरी लिखनी शुरू कर दी। पीयूष मिश्रा ने एक इंटरव्यू में अपनी कविता के पैदा होने की वजह को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कविताएं लिखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जिंदगी को कैसे जीते हैं और अपनी बात को कैसे कहते हैं और लिखते हैं, वही कविता बन जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे लिए कविता लिखना मौज मस्ती ही है। मैं चांदनी चौक से गुजरते हुए एक मजदूर को जब देखता हूँ तो सिर्फ उस मजदूर को और उसकी मजदूरी की व्यथा को सोचता हूँ। आम लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। अब आप खुद उस मजदूर की व्यथा को देखिए और लिखने की कोशिश कीजिए, आप शायद जो शब्द पिरोएं वो बहुत अच्छे होंगे। पीयूष मिश्रा का इंडस्ट्री में जो कद है उसे हासिल करने में उन्होंने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव भी देखे। ग्वालियर के रहने वाले पीयूष मिश्रा सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक्टिंग के पैशन को पूरा करने के लिए दिल्ली पहुंच गए। एक्टिंग के टैलेंट की वजह से ही उन्हें पहली बार में ही NSD में दाखिला मिल गया। एक इंटरव्यू में अपनी कहानी सुनाते हुए पीयूष मिश्रा ने कहा, ग्वालियर 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 मैं बस छोड़ना चाहता था। NSD नहीं होता तो कुछ और होता, कोई और इंटरव्यू होता, लेकिन ग्वालियर छोड़ना था। थिएटर करता था, आत्मविश्वास था, पहली बार में हो गया, परिवार से कोई लेना देना नहीं था। दिल्ली आए, NSD में 3 साल रहे, फिर काम किए, एक्टिंग तो करना शुरू कर दिया, लेकिन पैसों की तंगी और काम न मिलने की वजह से उन्हें अपना थिएटर त्यागना पड़ा। उनके शब्दों में, मैं दिल्ली में थिएटर करके पागल हो गया था। मैंने 20 सालों तक थिएटर किया। जब मैंने थिएटर छोड़ा तो पूरी तरह से टूट चुका था, बहुत थक गया था, अपने परिवार को कुछ भी कमा कर नहीं दिया। हालांकि आज की तारीख में मैं संपन्न हूं। मुंबई भी गए, लेकिन शुरुआत में उनकी नैया डूब गई। न पैसा, न काम और परिवार की मजबूरी के कारण उनको वापस दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली में वापस NSD में 20 साल काम किया। दिन रात NSD में शोज करके उन्होंने अपना एक अलग ही पद बना लिया था। 1986 में NSD के दरमियान पीयूष मिश्रा को सूरज बड़जात्या की फिल्म मैंने प्यार किया के लिए चुना गया, लेकिन किसी कारण वो कर नहीं पाए। और बात यहीं थमी नहीं, 2 साल बाद 1998 में पीयूष मिश्रा को मणिरत्नम की फिल्म दिल से में डेब्यू करने का अवसर मिला। CBI अफसर के किरदार में पीयूष मिश्रा को लोगों ने काफी पसंद भी किया, और उसके बाद क्या होना था, उनके करियर ने ऐसी उड़ान भरी कि वो आसमान में जाकर लैंड हुई। सफर पर हैं और ढूंढ रहे हैं खबर, खबरों में ढूंढ रहे हैं अपना शहर, टॉप न्यूज, ब्रेकिंग और हर अपडेट, तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़, हिंदी के साथ 5 भाषाओं का पंच, सबसे नया, सबसे अनूठा न्यूज ऐप, बस एक क्लिक दूर, जी हिंदुस्तान, डाउनलोड करें और बाखबर रहें।